नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की धूम है और पूरे देश में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में द होप रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर की ओर से स्पेशल बच्चों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और कार्यक्रम में स्पेशल बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा फहराया और एक्टिविटीज में भाग लिया। आज हमने जो कार्यक्रम स्पेशल बच्चों के साथ आयोजित किया था उस काफी सफल रहा। सारे पेरेंट्स आए, सारे बच्चे आए, सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से जो है अपना जो है सहभागिता सुनिश्चित करी। इन बच्चों के साथ ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम दिक्कत तो नहीं आती है, मतलब कि इन बच्चों को जैसे और बच्चों को सिखाया जाता है उसी तरीके से इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी रिहर्सल होती है, ये सीखते हैं, कभी नहीं सीखते हैं, कभी इनका मन नहीं होता है उस समय मना के इनको और तरीके से मोटिवेट करके इनको तैयार किया जाता है और ये बच्चे नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते पूरे देश में जश्न का माहौल जबरदस्त देखने को मिल रहा है और शहर समेत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इस रैली में बच्चों समेत बड़े लोगों में भी उत्साह दिखा। बता दें इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वाराणसी, गाजियाबाद, हमीरपुर, औरैया सभी जगह पे आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न देखने को मिल रहा है। बच्चे बड़े सभी हाथों में तिरंगा लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विधुना कोतवाली में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और धूमधाम से राष्ट्रध्वज के साथ यात्रा को कोतवाली परिसर से नगर में भ्रमण किया। लोग, जनप्रतिनिधि और यहाँ जितने बच्चे हैं, यूथ हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करके इसको बहुत बहुत सफल बनाया है और जैसे हमने देखा आधे से ज़्यादा जगहों पे तो झंडा लगा है और शायद 80-85% झंडा लगा है। आपके इस प्रयास से, इस तिरंगा यात्रा से हमें उम्मीद है कि जो शेष बचे हुए घर हैं उसमें भी विधुना क्षेत्र में झंडा ज़रूर लग जाएगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखते ही देखते सवारियों से भरी नाव यमुना में समा गई और कुछ लोग मदद के लिए नदी में छलांग लगाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो फतेहपुर के मरका घाट की बताई जा रही है। खबर गोरखपुर से है जहां भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष के नेतृत्व में अल जामिया और अल इस्लामिया के मदरसे से बच्चों और अध्यापकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। मदरसे के मासूम नन्हे मुन्हे बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रैली लेकर निकले। आज इरफान जी तिरंगा यात्रा निकाले मदरसों के बच्चों का क्या कहना? देखिए, देश के अमृत महोत्सव तिरंगा अभियान में आज रसूलपुर के जामिया नगर के अल जामितुल इस्लामिया मदरसे से, जो कि हमारा बहुत पुराना नाता रहा इस मदरसे से, किसी भी छोटे या बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो, वृक्षारोपण हो, हम लोग इस मदरसे से ही शुरुआत करते हैं। आज इसी क्रम में हमारे जामिया नगर मदरसे से मुस्लिम समाज के छोटे बच्चों और बड़ों के साथ हम लोग आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है और देश को आजादी दिलाने के लिए उन शहीदों की याद में जिला प्रशासन स्मारक बना रहा है और वीर योद्धाओं को याद रखने के लिए बीझलपुर में उन शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी के साथ जिले के तमाम अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर 81 पौधे लगाए और दीपदान और पुष्पांजलि अर्पित की।
आज ग्राम बीझलपुर में हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे 1858 में कुल 81 यहाँ के ग्रामीण शहीद हुए थे, उसकी स्मृति में एक ये शहीद स्मृति भवन हमने बनवाया है और यहाँ पे उन्हीं लोगों के एक स्मारक भी बनवाएंगे शहीद के स्मृति में। अभी उसका केवल आधारशिला बना हुआ है, बहुत जल्दी बन जाएगा। फरुखाबाद में सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हुए हैं। सीएमओ ने जिला अस्पताल लोहिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ ने मुख्य गेट पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करवा दी। निरीक्षण के समय एक वार्ड में एसी बंद मिली। सीएमओ ने बताया कि सीएमएस को चेतावनी दे दी गई है कि वो खुद भी नियमित ड्यूटी करे और कर्मचारियों से भी ड्यूटी कराए। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का है। मैं शिकायत ये मिली थी कि बच्चे इमरजेंसी के बाद जो बच्चा वार्ड है वहाँ गर्मी में बैठे हैं बच्चे, एसी खराब है, तो मौके पर जाकर देखा गया मैंने, तो चेतावनी दी है टीम को एसी सही कराया जाए तुरंत, कल ये एसी सही हो जाएगा और फिलहाल इन बच्चों को एसी वाले कमरे में हम लिटा रहे हैं। चेतावनी दी गई टीम को कि ड्यूटी करें नियमित रूप से। सर इसके बाद कोई एक जानकारी भी आई थी कोई मतलब पीकू वार्ड में कोई बच्चा था उसको मतलब भर्ती नहीं किया गया था, इस तरीके का मामला था कोई? मेरे संज्ञान में नहीं है। तो सर पीकू वार्ड में आपके द्वारा देखा गया तो कभी डॉक्टर वगैरह वहाँ पे अवेलेबल थे क्या? पीकू वार्ड में डॉक्टर साहब थे नहीं, उनकी भी तस्वीर लिया जाएगा कल। कानपुर के जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राजू श्रीवास्तव को वॉइस मैसेज भेजा। वेंटिलेटर पर यह मैसेज राजू को सुनाया गया। दिल्ली के एम्स में मौजूद राजू के करीबियों के मुताबिक मैसेज में अमिताभ ने कहा कि राजू उठो, अभी बहुत काम करना है। अमिताभ ने उनकी पत्नी शिखा से भी फोन पर हालचाल जाना, भरोसा दिलाया कि ईश्वर जल्द उन्हें ठीक करेंगे। नमस्कार भाइयों, राजू श्रीवास्तव जी क्या यार, ताज़ा अपडेट ये है कि इस समय 6:30 रहे हैं और 6:25 पे मेरी बात हुई है उनके परिजनों से। राजू भैया का लगातार स्वास्थ्य सुधर रहा है, डॉक्टरों ने एक ऑक्सीजन की मशीन कम कर दी, बीपी की मशीन हटा दी है। अमिताभ बच्चन जी की भी बात भई है शिखा भाभी से और उन्होंने अपने पंडित भी भेज दिया है। ईश्वरीय शक्ति भी काम कर रही, आप लोगों की दुआएं भी काम कर रही। किसी भी फर्जी अफवाह और फर्जी पोस्ट से बचिए प्लीज, परिवार बहुत परेशान हो रहा है जैसा हमने पहले बताया था। हम बिल्कुल आपको ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, 13 तारीख को शाम 6:25 की बात हुई है उनके परिजनों से, राजू भैया सुधार की तरफ हैं। खबर अलीगढ़ से है जहां पर थाना अकराबाद इलाके के कस्बे कौरियागंज स्थित घर के कमरे में सो रहे 40 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैंने रात को दुकान बढ़ा के आए, हम सब ने रोटी भी खाई, सोई सो गए। फिर उसके बाद क्या करें, फिर पता नहीं चला, 4 बजे जो गैस नहीं है दुकान के, वो धो के रख दी थी अम्मी ने, तो वो बाल्टी पे रखी तो वो गिरी है। पापा जब पता नहीं चला, और गेट बंद करा तो अभी गेट खुला मिला हमें। अच्छा, गेट कहाँ से बंद करा, बाहर से या अंदर? अंदर से बंद करा। किसने बंद किया? मैंने करा था खुद, अंदर से बंद किया। हाँ, तो यहाँ पर क्या लग रहा था, मैंने क्या हुआ इनके साथ? मेरे को तो मेरे पापा चले गए मौका देगा। देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष में अमृत महोत्सव की धूम है और पूरे देश में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में द होप रिहैबिलिटेशन एंड लर्निंग सेंटर की ओर से स्पेशल बच्चों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और कार्यक्रम में स्पेशल बच्चों ने अपने हाथों से तिरंगा फहराया और एक्टिविटीज में भी भाग लिया। आज हमने जो कार्यक्रम स्पेशल बच्चों के साथ आयोजित किया था उस काफ़ी सफल रहा, सारे पेरेंट्स आए, सारे बच्चे आए, सभी बच्चों ने प्रॉपर तरीके से जो है अपना जो है सहभागिता सुनिश्चित करी। इन बच्चों के साथ ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम दिक्कत तो नहीं आती है, मतलब कि इन बच्चों को जैसे और बच्चों को सिखाया जाता है उसी तरीके से इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी रिहर्सल होती है, ये सीखते हैं, कभी नहीं सीखते हैं, कभी इनका मन नहीं होता है,
उस समय मना के इनको और तरीके से मोटिवेट करके इनको तैयार किया जाता है और ये बच्चे नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।